अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम बात करेंगे फिर से बुलबुल लाइफस्टाइल पे, फिर से नहीं, कल मैं इन तीनों पर बात की थी, जो भी साइना आपी है, आसिफा बाजी है या बुलबुल सिस्टर, इन तीनों पर। बट मैंने फिर से बुलबुल सिस्टर का व्लॉग देखा और मुझे बहुत ज़्यादा मिर्चें लग गई। नहीं, यहाँ पर तो मिर्चियाँ मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मिर्चियाँ ना थोड़े थोड़े रेड हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इनको मैं अलग अलग कर देती हूँ ताकि रेड मिर्चियाँ सूख भी जाएंगी तो मुझे यूज़ आ जाएंगी। और ग्रीन चिली जो है वो तो हम सालन में यूज़ करेंगे ही। तो बुलबुल जी के व्लॉग में मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि वो कह रही थी, अपना प्लॉट दिखा रही थी और बोल रही थी कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जब इंसान अपना घर बनाता है, खुद का घर बनाता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन आपने क्या किया बुलबुल सिस्टर, आपसे मैं सवाल करती हूँ, आपने क्या किया अपने ससुर जी का, अपने पापा जी का, इतना अच्छा घर, पुश्तैनी घर आप छोड़ कर यहाँ पर आ गई हो। वो भी एक उनका सपना था कि उन्होंने सोचा होगा कि मेरे बच्चे यहाँ पलेंगे, मेरे बाल बच्चे, मेरा खानदान यहाँ पलेगा, आगे बढ़ेगा और उनका नाम रहेगा। वो उतने लोगों को जानते थे वहाँ पर, अभी तो आप वहाँ से निकल कर आ गए, उनका तो ऐसे लग रहा है कि जैसे नामो निशान थे या नहीं, ऐसे आपने उनको कर दिया है। और आप बोलते हो कि कोई सपना होता है, तो आपके ससुर जी का भी सपना था कि आप लोग वहाँ रहें, उनके खानदान को आगे बढ़ाएँ और उनके घर में रहे। और अभी एक साल भी नहीं हुआ था, आपने उस घर को दूसरों के हाथ में सौंप कर यहाँ पर आ गए हो अपने अपने मायके में। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी। थोड़ा आपको जैसे हम अपने लिए सोचते हैं वैसे दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। और अगर आपको वो घर उतना ही बुरा लग रहा था या ओल्ड मॉडल लग रहा था, आपको चाहिए था कि आप उसको ही अपडेट करें। ये नहीं था कि आप वहाँ से छोड़कर, वहाँ से सारा जो घर को किसी के हाथ में सौंप कर आ ही जाए। आपको चाहिए था कि उसको अपडेट करें, उसको अच्छा करें, ताकि आपके जो बड़े हैं खुश रहें, आपके जो बड़ों को जो है सुकून मिले। और आपके बड़े का भी ये सपना था, जैसे कि आज आप बोल रहे हैं कि हर इंसान के लिए बहुत बड़ा सपना होता है कि अपना घर हो। तो आपने अपने ससुर जी के अपने घर का क्या किया, दूसरों के हाथ में आपने उनको सौंपा दिया। और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। अदरवाइज़ मैं इनके खिलाफ़ नहीं थी, मैं इनके सब वीडियोस देखती थी और बहुत सारी चीज़ें मुझे कहीं कहीं लगी थी कि इनकी जो चीज़ें हैं गलत हैं। जैसे कि आपने वो घर छोड़ा, उनकी जो बेटियां हैं, जैसे कि साइना आपी हो गई और भी दो उनकी बेटियां, तीन बेटियां हैं, वो कहाँ आएंगी जाएंगी। तो आप जो है उस घर को अपडेट कर सकती थी, उस घर को अच्छा करके वहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी। बट आपने अपने पापा जी के, अपने ससुर के सपने को जो है, और मुझे गुस्सा तो आपके हस्बैंड लोगों पर आता है कि वो अपने माँ बाप का जो अच्छा बुरा कैसे भूल सकते हैं। तो इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सबसे अलविदा, इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी।